नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार के तारों में हर सरकारी और प्रशासनिक तंत्र आज संलिप्त है, ऐसा कहना है आप नेता चतुराज सरवारा का। उन्होंने कहा कि मंत्रियों और मुख्यमंत्री की आंख के नीचे खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन वे आंख मूंदे बैठे हैं। ये आम आदमी पार्टी इसलिए दावे से कह रही है क्योंकि तमाम शिकायतों और धरने प्रदर्शनों के बावजूद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक उंगली तक नहीं उठा रही। उन्होंने कहा है कि वैसे तो सभी नगर निगमों में भ्रष्टाचार को लेकर आपस में पहले नंबर पर आने के लिए दौड़ लगी हुई है, इसमें अम्बाला नगर निगम भी पीछे नहीं है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही अम्बाला शहर में आप नेता निर्मल सिंह के नेतृत्व में नगर निगम के बाहर एक विशाल प्रदर्शन बढ़ते भ्रष्टाचार पर किया गया था, जहां प्रॉपर्टी आईडी, एनडीसी, एनओसी और करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स में खुलेआम हो रहे घोटालों पर सवाल खड़े कर उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई गई थी। हाल ही में अम्बाला जिले का प्रॉपर्टी आईडी सर्वे किया गया, जिसमें लाखों घरों और दुकानों का अनाप शनाप सर्वे कर दिया गया, जो पूरी तरह से गलत था। लोग जब अपने मकान का सर्वे ठीक कराने जाते हैं तो उसके बदले में उनसे रिश्वत की मांग की जाती है। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। दिल्ली में जब से हमारी सरकार केजरीवाल जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के नए नए मुकाम जो है खड़े कर रही है, तब से हरियाणा प्रदेश में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा एकदम से उठ चुका है। सब जानते हैं कि जब भी हरियाणा में सरकार, ये जो हमारी गठबंधन की बीजेपी और जजपा की सरकार है, कोई भी नया प्रोग्राम या कार्यक्रम लेके आती है, उसके साथ भ्रष्टाचार की एक नई खिड़की खुल जाती है। हाल ही में आज जो गरमाया हुआ मुद्दा है, जो मैं कहूंगी पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ है, क्योंकि इसे लेकर हम मुद्दा अखबारों में भी उठा चुके हैं, धरने भी दे चुके हैं, ना प्रशासन, ना चीफ मिनिस्टर, ना सरकार, किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, वो है प्रॉपर्टी आईडीज का। हरियाणा के जिलों में नए प्रॉपर्टी आईडीज बनाए गए हैं। अम्बाला में भी हमने इसी चीज को देखा। जितने भी नए प्रॉपर्टी आईडीज बने हैं, ये कहने में कोई चूक नहीं होगी कि उनमें से जो ज्यादातर हैं 70-80%, उनमें कोई ना कोई कमी है। कहीं एरिया गलत है, कहीं एड्रेस गलत है, कहीं मालिकाना हक जो दिखा रखे हैं वो गलत हैं। आज जनता इनको जब ठीक कराने के लिए प्रशासन के दफ्तर पर जा रही है, उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं या उन्हें पैसे खिलाने पड़ते हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जो पिछली प्रॉपर्टी आईडीज बनी हुई थी, सब जानते हैं 90% उनमें से ठीक थी, नई प्रॉपर्टी आईडी बनवाने की जरूरत क्या पड़ी? आपने कितने करोड़ों में ये जो ठेका दिया है, इस कंपनी को दिया है, कितने इलाके का आपने ठेका दिया है? इस कंपनी को जब रिकॉर्ड्स निगम द्वारा दिए गए थे पिछली प्रॉपर्टी आईडीज के, तो क्या इन्होंने ये चढ़ाने में गलती कर दी, क्या मापने में गलती कर दी? और अगर गलती कंपनी की है तो कंपनी इसका भुगतान करे। आज करेक्शन के लिए लोगों को पैसे क्यों देने पड़े? अगर ये निगम के दिए हुए रिकॉर्ड्स या उसमें कोई गलती है तो निगम इसका भुगतान करे। एक बार फिर हम सवाल करते हैं सरकार से कि लोगों को धक्के क्यों खाने पड़ रहे हैं, पैसे क्यों लुटवाने पड़ रहे हैं? जो हमारे प्रदेश में आज अगर आप देखेंगे, सिरसा जिला है, वहाँ आम आदमी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी, वो 157 दिनों से जो है धरने पर बैठे थे, 5 दिनों से अमरण अनशन पर बैठे हैं। आज हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने प्रेस वार्ता में ये मुद्दा भी उठाया है। देश में, प्रदेश में, चाहे कहीं भी देख लें, केजरीवाल जी की सरकार और उनकी परफॉर्मेंस का डंका बज रहा है। पंजाब में लोग ये मॉडल देख चुके हैं और आज ये सवाल जो लोगों ने उठाए हैं, या तो इसका जवाब भाजपा जजपा की मौजूदा गठबंधन सरकार दे, वरना 24 आने ही वाला है, वहाँ पर जनता खुद ये जवाब उन्हें देगी और आम आदमी पार्टी को यहाँ आकर परफॉर्मेंस का मौका देगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।